गाइज वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आजकल तलाक के केसेस बहुत आ रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अच्छा खासा तलाक का केस होते हुए भी लोग हार जाते हैं, तो रीज़न क्या होता है? तो रीज़न बेसिकली ये होता है कि डिवोर्स का केस जो होता है वो सही तरीके से फाइल नहीं हुआ होता है। आप केस फाइल तो कर देते हैं, बहुत बहुत माइन्यूट सी मिस्टेक्स की वजह से आप केस हार जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही वेज़ के बारे में जानेंगे कि जिसे आपने यूज़ कर लिया अगर तो आप कोई भी केस नहीं हारेंगे और आपके जीतने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको डिवोर्स का केस फाइल करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, कंप्लेन कर देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दिया जाता है या फिर नहीं भी दिया जाता, डायरेक्ट केस फाइल कर देते हैं। बट आपको पुलिस कंप्लेन ज़रूर करना है, बिकॉज पुलिस कंप्लेन हमेशा आप अपने एडवोकेट साहब से पूछ के, जो आपका लॉयर है उनसे पूछ के आप कंप्लेन करें। बिकॉज़ क्या होता है कि आपने अगर खुद से कंप्लेन कर दिया तो होता ये है कि आप कोई भी कोर्ट में मैटर चल रहा है तो उसको आप एक एप्लीकेशन दे के चेंजेस करा सकते हैं उसमें। बट ये होता है अगर कंप्लेन आपने कर दिया तो उसमें चेंजेस नहीं करा सकते, वो हमेशा वैसे ही रहेगा। तो इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या टर्म्स कंडीशंस हैं और क्या क्या चीज़ें हमें मेंशन करनी चाहिए। तो एक लॉयर जो होता है बेटर पोजीशन में होता है आपको बताने के लिए और आपको हेल्प करने के लिए। तो आप अपने लॉयर से सजेशन लें और उसके बाद ही कंप्लेन करें, बिकॉज कंप्लेन के बेस पे आपको केस फाइल करना होगा। नेक्स्ट आता है डेट, टाइम, मंथ, ये सारी चीज़ें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई केस फाइल करते हैं तो आप उसमें इंसिडेंट मेंशन कर देते हैं, और कई बार देखा ये जाता है कि लोग डेट टाइम मेंशन नहीं करते, डेट टाइम मंथ ईयर ये सब मेंशन नहीं करते हैं, तो होता ये है कि उनके केस को हार्म करता है। चलिए एग्जांपल आपको एक देता हूँ। अगर सपोज आपको आपने मेंशन किया कि वाइफ ने मारा, डांटा, परेशान किया, सुसाइड की धमकी दी, बट आपने ये इंसिडेंट तो मेंशन कर दिया बट आपने डेट टाइम ये सब चीज़ें मेंशन नहीं किया, क्या सर्कमस्टेंसेस है, किस कंडीशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन नहीं किया। तो जो कोर्ट होता है वो हस्बैंड वाइफ के बेडरूम में तो जा नहीं सकता है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा डेट टाइम, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं मेंशन करते हैं तो कोर्ट को ये लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, और जब आप सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन से ये सारी चीज़ें डिटेल में नहीं लिखते हैं तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि ये झूठ है, ये सच नहीं है। नेक्स्ट आता है मेडिकल। अगर आप कोई कभी भी कुछ एलिगेशन लगा रहे हैं कि मेरे साथ मारपीट हुआ है, या फिर जब पार्टीज़ ये एलिगेशन लगाती है कि मारपीट हुआ है, तो आपको जो मेडिकल रिपोर्ट होता है, मेडिकल के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लगाने चाहिए, बिकॉज अगेन ये झूठा प्रूफ हो जाएगा कोर्ट में अगर आपने कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो। तो जो कुछ भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, कोई भी मारपीट हुआ है या फिर कुछ भी हुआ है, तो वो इंसिडेंट का आप मेडिकल लगाए। अगर आपको स्लैप ही पड़ा है तो आपके अगर चिक्स जो है वो लाल हो गए या फिर दांत दर्द कर रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं और उसका प्रॉपर मेडिकल जो भी है वो सारी चीज़ें लगाएं, या फिर पुलिस कंप्लेन हुआ है तो वो लगाएं, या फिर कोई मेडिकेशन आप उस टाइम पे कोई मेडिसिन ले रहे हैं, ये सारी चीज़ों के रिपोर्ट्स, बिल आप अटैच करें, सो दैट आपका जो पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग बने और कोर्ट को लगे कि जी नहीं, ये तो सही बोल रहा है, और कोर्ट प्रॉपर उसको एनालाइज करे चीज़ों को। जब भी आप कोई केस फाइल करते हैं तो फाइल विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट, जो भी एविडेंसेज है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है। अगर सपोज कोई कंप्लेन किया हुआ है, कोई और मैटर किसी और कोर्ट में पेंडिंग है, चल रहा है, तो ये सारी चीज़ों का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ सब चीज़ें अटैच करें। ये आपके केस को अगेन हेल्प करेगा, कोर्ट को लगेगा जी नहीं, बंदा जेन्युइन है या फिर जो भी वाइफ है तो वो जेन्युइन है। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आजकल मोबाइल सबके पास होता है, तो सब लोग क्या करते हैं, मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया। तो अगर आपने जो भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किया है वो आपके फेवर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि ये जो ऑडियो वीडियो में जो भी चीज़ें हैं उसको आपको रिटन फॉर्म में सबमिट कर देना है, बिकॉज कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं होता कि हर एक चीज़ों को आपको पेन ड्राइव लगा के सुने, तो आपको इसको रिटन फॉर्म में देना चाहिए और प्रॉपर ये हाईलाइट करना चाहिए कि क्या क्या हुआ था, जो आपको लगे कि आपके फेवर में जा सकते हो, प्रॉपर हाईलाइट, बोल्ड हो। बिकॉज अगेन मैं वही रिट्रेट करना चाहूँगा, कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके हर एक पॉइंट्स को पढ़ते जाए, कोर्ट के पास टाइम का कंस्ट्रेन होता है। सो आप चीज़ों को, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी फेवर में हैं उसे आप हाईलाइट कर दें। विटनेस जरूर लाएं, जिसने भी केस को देखा है, आपके साथ जो प्रॉब्लम हुआ जिसने देखा है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, नेबर हो सकता है, या फिर कोई ऐसा मेम्बर जिसने कोई विटनेस करा हो आपके साथ, जो इंसिडेंट हुआ हो उसको विटनेस किया हो और वो कोर्ट में आपके फेवर में बोल सके, सो दैट आपका केस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। कॉल डिटेल्स की बात कर लेते हैं। नॉर्मली होता ये है कि
हस्बैंड एलिगेशन लगाते हैं जनरली कि वाइफ कैरेक्टरलेस है, वो बहुत सारे लोगों से कॉल पे बात करती रहती है, मुझ पे ध्यान नहीं देती। तो आपको करना क्या है कि उसका कॉल डिटेल निकलवा लेना है, 1 ईयर तक का, लास्ट 1 ईयर का कॉल डिटेल निकल जाता है। तो आपको करना ये होगा कि कोर्ट में अंडर सेक्शन 91 CRPC में एक एप्लीकेशन डाल देना है ताकि कोर्ट उसके कॉल डिटेल निकलवा सके और मालूम चल सके कि वो किस किस से बात करती थी, कौन कौन लोगों से बात करती थी, जो भी नंबर पे उससे उसका ज़्यादा बात हुआ है उसको चेक करें, उसको वेरीफाई करें किन लोगों से बात होती थी, उससे आपकी वाइफ का क्या रिलेशन था उन लोगों का। नेक्स्ट आता है इनकम। वाइफ ने अगर केस किया है तो अगर हस्बैंड सपोज 10,000 कमा रहा है तो वाइफ एलिगेशन लगाती है कि 50,000 कमा रहा है, 40,000 कमा रहा है, ऐसे ऐसे एलिगेशंस। हस्बैंड क्या करता है कि जब हस्बैंड केस फाइल करते हैं तो हस्बैंड ये बोलता है कोर्ट में कि वाइफ कमा रही है ऑलरेडी, मेरे से ज़्यादा कमा रही है, मैं उससे कम कमा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अराइज होती है। तो आपको करना क्या होगा कि इनकम सर्टिफिकेट होता है, जो भी इनकम से रिलेटेड प्रूफ है, ये सारी चीज़ों आपको कोर्ट में सबमिट करनी होगी। आपके पास अगर वाइफ का पैन कार्ड भी, अगर सपोज वाइफ अर्न कर रही है तो उसका पैन कार्ड लेके आप उसके डिटेल्स निकलवा सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। रिसेंटली एक केस आई वॉज हैंडलिंग, केस में ये था कि हस्बैंड के साइड से हम लोग थे, तो वाइफ जो थी वो बोल रही थी कि मैं नहीं कमा रही हूँ। हस्बैंड के पास फॉर्चुनेटली उसका पैन कार्ड नंबर था, तो पैन कार्ड के थ्रू वी गॉट टू नो कि वाइफ अर्न कर रही है, कितना सैलरी अर्न कर रही है, कितना उसको मंथली इनकम है। तो उस बेसिस पे ये जो कोर्ट का जजमेंट था हमारे फेवर में आया। तो ये चीज़ें होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये बहुत मायने रखती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको केस को जीतने में मदद कर सकती है या आपके केस को टोटली उल्टा कर सकती है, आप हार भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोगों ने आज डिस्कस किया क्या क्या माइन्यूट डिटेल्स पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें कोर्ट में सबमिट करनी चाहिए, सो दैट आपका केस स्ट्रांग हो सके और कोर्ट में आप केस इजीली जीत सके। तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।